दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो उल्लू ऐप पर आज ही रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है वन हैव अ गुड टाइम सीजन 2। तो यार मेरे दिमाग में बहुत से सवाल है कि सीजन 2 तभी आता जब सीजन 1 लोगों को पसंद है। हालांकि इसका सीजन 1 मैंने नहीं देखा था अब तक का, लेकिन मैंने आज वो सीजन 1 भी देख लिया, सीजन 2 भी देख लिया, क्योंकि मैं सोचा क्या जो दिमाग की बजा रही तो क्यों ना दोनों सीजन एक साथ देख के, क्योंकि दो बार देखूंगा तो दो अलग अलग बार दिमाग की बजेगी, इससे एक ही बार देख लो ताकि टेंशन ही खत्म। तो यार सीजन 1 की हम लोग पहले बात करेंगे। सीजन 1 में हमें नजर आती है फ्लोरा सैनी और मनीष, उसे डायरेक्ट किया है दीपक पांडे ने। कहानी सिंपल सी इतनी है कि फ्लोरा सैनी और उसके हस्बैंड हैप्पीली मैरिड है, और फर्स्ट एपिसोड हमें ये बताता है कि फ्लोरा अपनी मायके जा रही है 7 दिन के लिए रहने के लिए, और यहाँ पे उसका हस्बैंड घर पे अकेले। तो जैसे ही फ्लोरा सैनी अपने मायके जाने के लिए निकलती है, उसके हस्बैंड के माइंड में कहता है क्यों ना किसी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया जाए अपना थोड़ा, जैसे कि उल्लू ऐप में होता है उल्लू ऐप सीरीज में फन वही सब जो आपको पता है अश्लील चीजें, तो वो उस वजह से प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। लेकिन जब प्रोस्टिट्यूट आती है तो उसका चेहरा देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसका चेहरा बिल्कुल फ्लोरा सैनी यानी उसकी वाइफ की तरह हूबहू मिलता है। तो वो सोचता है कि ये मेरी वाइफ तो नहीं है, तो पहले काफी डरता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसी की तरह दिखने वाले हूबहू एक अलग औरत है, तो वो फिर उसको काफी गिल्ट महसूस होता है और वो सोचता है कि यार मैं अपनी बीवी को कैसा धोखा दे सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो यहां पे डायरेक्टर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा हस्बैंड या कोई आदमी ही धोखा नहीं देता है, यहाँ पे औरत भी धोखा दे सकती है। यानी कि नेक्स्ट सीन में हम ये बताते हैं कि फ्लोरा सैनी यानी जो उसकी वाइफ है, एक्चुअल जो वाइफ है, वो अपने बॉयफ्रेंड से हर 6 महीने में मिलने जाती है 7 दिनों के लिए, और यहाँ पे उसके हस्बैंड को ऐसा बोलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मगर वो अपने मायके नहीं जाती है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टर ने ये बताने की कोशिश की कि हमेशा हस्बैंड या हमेशा आदमी ही धोखा नहीं देते, कभी कभी औरतें भी धोखा देती है। तो ये सीजन 1 की कहानी थी। तो यहां तक का तो मुझे समझ में आया, और ये क्यों चला, किस वजह से चला, क्या एरोटिक सीन्स की वजह से चला या कुछ और वजह से चला, वो तो डायरेक्टर साहब और उनकी ऑडियंस ही जाने। तो फाइनली आज सीजन 2 रिलीज हुआ। तो सीजन 2 की कहानी ये है कि एक बिगड़ी हुई लड़की समझ सकते हो, या आजकल की जो मॉडर्न ख्यालात वाली जो लड़कियां होती है उसका रोल प्ले करी यहाँ पर रोशनी बानिक, और दूसरा जो यंग स्टड है वो है आरव चौधरी। तो ये दोनों की मुलाकात होती है, एक डेटिंग ऑनलाइन डेटिंग ऐप है वहां पर मुलाकात होती है। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि दोनों जब फर्स्ट मुलाकात में मिलते हैं तो लड़की का जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि यार मैं डेटिंग ऐप पर किसी लड़के से मिलूंगी, और उसके बाद वही जो उल्लू ऐप फिर से बता रहा जो उल्लू ऐप में होता है वही सेक्सुअल चीजें करूंगी उस लड़के के साथ। और इस लड़के की भी यही इंटेंशन होती है कि मैं उस लड़की से मिलूंगा और उसके बाद वही सेक्सुअल चीजें करूंगा। लेकिन लड़के की प्रॉब्लम ये होती है कि लड़का चाहता तो है सब कुछ करना, लेकिन वो चैटिंग पे बात नहीं कर पाता, बहुत शाय होता। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस लड़के का सेम टू सेम हूबहू उसी का भाई, एकदम डिट्टो उसी के साथ दिखता है, लेकिन वो थोड़ा बातचीत करने में बहुत ज्यादा मॉडर्न है। तो चैटिंग वो उससे करता है और मिलने के लिए ये जाता है जो उसको पसंद करता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो लड़का चैटिंग करता है इसका भाई, चैटिंग करते करते वो भाई भी उसको सोचता है कि मैं भी इसके मजे ले सकता हूं, यानी इंटेंशन उसके साथ फन कर सकता हूं। तो वो भी उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और अपने ही भाई को रात को बेहोश करके उस लड़की के साथ वही जो उल्लू ऐप में बताता है वही सेक्सुअल अश्लील चीजें सब कर देता है, और फिर सुबह उसका भाई, दोनों में अदली बदली हो जाती है, फिर सुबह उसका भाई उसके साथ करता है, यानी कि दोनों भाई मिलके उस लड़की के साथ एक सेक्सुअल चीजें करते हैं, फिर बाद में उस लड़की को बताते कि हम लोग दो है एक नहीं है। फिर उस लड़की का रिएक्शन ऐसा था जैसे कि मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, मुझे लगा कि लड़की कुछ गुस्सा करेगी या कुछ और बोलेगी, मतलब एकदम नॉर्मल से रिएक्शन था और वहां से चली जाती है। ये कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आपको उल्लू की वेब सीरीज में ही देखने मिलेगा और ये कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद में डायरेक्टर ने ये सोचा कि यार चलो अब मैं कुछ और दिखाता हूं। तो डायरेक्टर ने क्या दिखाया कि अब दोनों भाई लोग ना बैठ के डील करते हैं, मतलब उन लोग ने किला फतेह कर लिया, मतलब उन लोग ने एक बहुत बड़ी जंग जीत चुके और वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि एक लड़की के साथ दोनों भाइयों ने एंजॉय किया। तो अब लोग सोचते क्यों ना हम लोग इससे आदत बना ले, यानी कि अब हम लोग हमेशा डेटिंग ऐप पे तू एक लड़की को सेट करना, मैं उस लड़की से बात करूंगा, मैं उसे होटल तक लेके जाऊंगा, फिर रात में हम लोग दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये थी सीजन 2 की कहानी। तो अब डायरेक्टर साहब यानी दीपक पांडे सीजन 2 में क्या बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप सही है लड़कियों के लिए या गलत है, या उन लड़कों के लिए कि तुम लोग इस तरीके से एक नया आइडिया तुमको बताते कि अगर दो भाई जुड़वा है तो एक जन लड़की को बुलाएगा, दूसरा मजे लेगा, फिर रात के अंधेरे में वो भाई हटके दूसरा भाई आ जाएगा। तो यार मैं तो बोलता हूँ कि ये सारी चीजें जो जितनी बेवकूफी मैं गाली सुनने दे रहा हूँ, यार ये वीडियो को कभी लोग बोलेंगे यार इसको मोनेटाइज नहीं करेंगे, यार बहुत सी आ जाती चीजें यूट्यूब की तरफ से। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस में रहने के हिसाब से इज्जत में बोलूंगा कि ये सब चीजें जो होती है ये सब आपको उल्लू ऐप में ही देखने को मिलेगी। तो जो इस तरीके से दिमाग की बजाना चाहता है वो ये वेब सीरीज जरूर देखे, और जो लोग इससे दूर है वो बहुत अच्छी बात है, और उन लोगों को इसमें कोई अच्छा मॉरल स्टोरी मिल रही है
सीजन टू को देखने के बाद या सुनने के बाद कोई सर सबक सीखने को मिला तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो ये मेरे मतलब की ये सब वेब सीरीज होती नहीं, ये सिर्फ रिव्यू के लिए मैं देखता हूँ। और सच बता रहा हूँ, जब भी उल्लू और अल्ट बालाजी की वेब सीरीज देखता हूँ मेरे दिमाग का हो जाता है, वो समझ लो वो क्या होता है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, वही हो जाता है बस दिमाग का। अगर आपको हमारा रिव्यू जरा भी पसंद आया तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट, जो नीचे जो अरहान एंटरटेनमेंट लिखा है, उस रेड बटन को आप गुस्सा करके दबा दो या प्यार से दबा दो या अपने हंसी हंसी में दबा दो, जैसा चाहे उसको दबाओ। उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उस बेल को भी क्लिक कर दे ताकि मेरे वीडियोस रोज आते तो आपको रोज वीडियोस मिलेंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।